हमने एक बहुत ही हाई लेवल कुबरनेटिस के बारे में सीखा अब इस सेशन में हम टेक्निकली कुबरनेटिस को समझने के लिए कोशिश करते हैं या समझाने के लिए कोशिश करते हैं सो अस गो एंड अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज कुटीज आर्किटेक्चर कुबर्नेटीज का फ्रेमवर्क क्या है कुबर्नेटीज वर्क कैसे करता है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सो बेसिकली आई गेस योगेंद्र ये सेशन में हम बस ये डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे करेक्ट यस कुटीज ये जो डायग्राम है इसे हम कुबरनेटिस आर्किटेक्चर कुबरनेटिस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर या एट क्ला, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सो so, uh, ये तीन चीज से भी हम इस आर, uh, ये आर्किटेक्चर uh, को कॉल कर सकते हैं बेसिकली uh, ये आर्किटेक्चर के ही थ्रू जो हम लास्ट सेशन में डिस्क डिस्क्राइब किए थे या सीखे थे कि कुबर एक ओपन सोर्स कंटेनर डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है so basically, हाँ वो वो इस architecture के करता है, जिसके एप्लीकेशन कंटेनर्स सो इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है या इस कुरनेटिज का क्या मेन एनवायरमेंट है उसके बेसिक कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं एक तो मास्टर नोड है अ डिफरेंट कलर ये मास्टर ये नोड को हम लोग कंट्रोल प्लेन या मास्टर नोड इसको हम कंट्रोल प्लेन भी बोल सकते हैं या मास्टर नोड बोल सकते हैं और दूसरे हैं what we call worker nodes worker node yes right इसे हम क्लस्टर नोड्स भी बोलते हैं राइट right? इसको हम स्लेव भी बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर ओके या सो इसे हम स्लेव भी बोल सकते हैं स्लेव थोड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है शायद इसलिए वर्कर नोड थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है वर्कर नोट स्लेव नोड या फिर क्लस्टर नोट भी बोलते हैं सो so, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक क्लस्टर बोल सकते हैं करेक्ट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या हम इसे क्लस्टर बोल सकते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर सो कुबरनेटिस क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ अंसिस्ट ऑफ दिस कुबरनेटिस आर्किटेक्चर बेसिकली जो भी ये कुबरनेटिस आर्किटेक्चर हम आपको दिखा रहे हैं सो so, जो नोट है राइट दीज नोट कैन बी वर्चुअल मशीन ऑल्सो और कैन बी फिजिकल ऑल्सो ये कोई सर्वर में भी रह सकता है या क्लाउड में भी डिप्लॉयड हो सकता है और हर एक नोट का अपना एक एनवायरमेंट रहता है सो एवरी नोट हैजर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें वी नीड टू लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कूबन एट इज कंट्रोल प्लेन राइट एज यू कैन सी यहां देख सकते हैं कि एक मास्टर नोड जो है वो डिफरेंट वर्कर नोड से कनेक्टेड है ये आप जो ब्रांच देख रहे हैं राइट सो मास्टर नोड्स एंड द वर्कर नोड्स दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बट द वर्कर नोड्स आर नॉट इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर ओके सो बिफोर वी मूव अ हेड लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच कम्पोनेंट ऑफ अ मास्टर नोट और so ye diagram mein, let us now concentrate only on the part of master node so what are the main components main components auto master node or a control plane सो एज यू कैन सी ये डायग्राम में दिख रहा है हमें पहले तो है क्यूब सी टी एल दूसरा है एपीआई सर्वर नो आई थिंक्यूब सी टीएल मास्टर नोट का पार्ट नहीं है ये यूर करेक्ट क्यूब सी टी एल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मास्टर नोट सो वील ओमिड दैट एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर ड्यूलर एंड ई टी सी डी सो दीज आर दी फोर मेन पार्ट ऑफ अ कंट्रोल प्लेन और अ मास्टर नोट राइट सो लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दन बाई वन ना आप देख सकते हैं कि एक मास्टर नोट जो है वो अलग अलग वर्कर नोट से कनेक्टेड है राइट कैन यू ये आप सब देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है राइट इट इज बिट्वीन द क्यूबलेट एंड द एपीआई सर्वर राइट यू कैन सी दिस कनेक्शन दिस मेक्स इट वेरी क्लियर की एपीआई सर्वर जो है जिसके थ्रू जिसके थ्रू हम लोग दूसरे वर्कर नोट्स राइट से कनेक्ट कर सकते हैं सो so बेसिकली एक एपीआई सर्वर के थ्रू इट इज लाइक द गेट वे आपका गेट है ये गेट वे So, अगर आप यहाँ पे है और आपको आपके वर्कर नोट्स के साथ कनेक्ट करना है राइट right? या आपको कुछ कंटेनर पास करना है या कुछ भी इंटरेक्शन आपको इस क्लस्टर के साथ करना है तो यू कैन डू दैट वाया एपीआई सर्वर सो एपीआई सर्वे सर्वर इज आल्सो नोन एज द गेट पे राइट कमांड्स एग्जीक्यूट करने जैसे कि आपको अपडेट्स uh, को सपोर्ट करना है क्या आपको स्केल करना है या और भी कई तरीके लाइफ साइकिल ऑर्केस्ट्रेशन आपको करने राइट right? बहुत सारे काम आपको करने होंगे वो सब आप वाया यू कैन डू इट वाया बाय पासिंग कमांड्स टू द एपीआई सर्वर राइट सो आपके जो भी क्लाइंट्स हैं वो जो भी आप इस कुबरनेटिस को कमांड देना चाहते हैं वो एपीआई सर्वर के थ्रू दे सकते हैं जो एक मास्टर नोड में सिचुएटेड सो बेसिकली आपको ये जब हम ये समझेंगे कि ये पॉड्स में कंटेनर्स होते हैं आपको इस पॉड्स को कुछ चेंज करना है या इसमें आपको कंटेनर्स डिप्लॉय करने है या जो भी करना है तो, वो कमांड आप एपीआई सर्वर के थ्रू ही दे सकते हैं ऑल्सो ये एपीआई सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं सो so, सपोज आपके क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करना है देन ऑल्सो यू कैन डू इट यू विल है या यस yes, योगेंद्र आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर यस सो बेसिकली एपीआई सर्वर जो भी रिक्वेस्ट uh, हमको मिलता है राइट right? uh, वो एक वैलिडेशन uh, के लिए वो uh, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी, uh, भी करता है उसको वैलिडेट भी करता है राइट एंड जो भी कंपोनेंट्स uh, हैं वो एपीआई सर्वर्स सर्वर से पूछते हैं कि हमारे लिए कोई वर्क uh, आया है जो हम फर्दर uh, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो so, uh, लाइक like को हमें एज अ पोस्ट ऑफिस मान सकते हैं जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास होती है टू अदर कंपोनेंट्स कम्पोनेट नाइसली पुट आई गेस ये गेट भी है और एक पोस्टमैन भी है जिसके थ्रू हम सब इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं करेक्ट यस नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं uh, को समझने के लिए. अब ये जो वर्कर नोट है जो हम समझेंगे और जो मास्टर नोट्स है सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट ये मास्टर नोट्स और वर्कर नोट्स को कंट्रोल करता है या इनको काम देता है बेसिकली ये ये इनके बॉस बॉस नाउ पे नोट करेगा कि कौन सा सर्वर कैसे चल रहा है कौन सा नोट कैसा चल रहा है क्या परफॉर्मेंस है उसमें आपने कितना काम दिया है उसमें आपको कितने काम रिलीज करने हैं या आपको कोई काम स्केड्यूल करना है तो वो सब लॉग आप ये स्केड्यूलर में मेंटेन uh, हैं सो so, स्केड्यूलर वो है जो एक ईच ईच कंप्यूट नोड मतलब आपके जितने भी वर्कर नोड है राइट right? उनका वो हेल्थ कैसा है इट रनिंग फाइन वो अपना ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं uh, वो वो नोट करेगा और दूसरा मेन काम वो ये करेगा कि सपोज आपने अपने एपीआई सर्वर के थ्रू बोला है कि मुझे एक और कंटेनर को क्लोन करना है सपोज एक कंटेनर है आपको और उसे दस बार क्लोन करना है आपको हाउ uh, विल या तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन से वर्कर नोड में कितने कंटेनर्स आपको करने हैं बट वो भी टेंशन या वो भी हेडेक आपको नहीं लेना है वो हेडेक के स्केड्यूलर रखेगा आपको बस एपीआई सर्वर को बोलना है कि मुझे दस कंटेनर रन करना है अब ये स्केड्यूलर डिसाइड करेगा कि आपके कंटेनर मैनेजमेंट कैसे करना है सो so, आपके जो न्यू कंटेनर्स है उनका मैनेजमेंट जो है वो भी पूरा ये स्केड्यूलर हैंडल करता है सो so, वो डिसाइड करेगा कहाँ पे आपका नया कंटेनर डिप्लॉय होना चाहिए कौन से वर्कर नोड में कितने कंटेनर्स किसके डिप्लॉय होने चाहिए सो so, वो उसके लिए क्या क्या चेक करेगा वो उसका उसके डेटा में वो चेक करेगा कि हर एक वर्कर नोड का क्या हेल्थ स्टेटस है हर एक पॉड का क्या रिसोर्स डिमांड है हर एक पॉड जो है we will learn later, but आपको जस्ट एक ग्लिम्स दे सकता हूँ कि ये हर एक पॉड में बहुत सारे कंटेनर्स रन हो रहे हैं अब हर एक कंटेनर जो है वो एक सीपीओ और मेमोरी यूज करता है तो वो स्केड्यूलर देखेगा कि कितने हर एक पॉड का कितना रिक्वायरमेंट है सीपीओ और मेमोरी का और अप्रोप्रिएटली आपके नए कंटेनर्स को वो डिप्लॉय कर देगा जिस वर्कर नोड में ऑप्टिमाइज वे में उससे सीपीयू और मेमोरी लग रहा है कि यूज नहीं हो रहा है उसके अलावा आपको टास्क केड्यूल करना है आपके पॉड्स में कुछ सर्विसेज आपको स्केड्यूल करने हैं वो सब भी वो स्केड्यूलर ही आ, के देख रेख में होगा इसके अलावा अगर मैं आपको टेक्निकली और शब्द यूज कर सकूँ तो रिसोर्स लिमिटेशन चेक करना डेटा का लोकेलिटी चेक करना क्वालिटी ऑफ आपका रिक्वायरमेंट सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं Uh, वो सब अकाउंट uh, में लेके स्केट क्लस्टर्स उनका इसमें yes, uh, yes, uh, uh, सकते हैं लाइक वो परफॉर्मेंस भी चेक करता है हर कंटेनर का कि हमारा कंटेनर uh, कैसा कर रहा है एंड इन शॉर्ट इसको हम uh, डिफाइन uh, कर सकते हैं एज अ वर्कलोड कंस्ट्रेंट को मैनेज करता है कंप्लीटली ऑन डिफरेंट वर्कर नोड करेक्ट जैसे मैंने बोला कि वो हेल्थ स्टेटस सबका ऑप्टिमम है कि नहीं वो मेंटेन रखेगा यस yes. अब नेक्स्ट हम समझते हैं कंट्रोलर या मैनेजर आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे योगेंद्र कंट्रोलर यस समित सो इन कंट्रोलर मैनर मैनेजर बेसिकली एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली रन uh, होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग लूप है जो मेक uh, श्योर sure रखता है कि जो हमारा क्लस्टर का स्टेट्स है वो बना रहे लाइक हमारे वर्कर नोट्स में कंटेनर्स हमने थ्री डिप्लॉयड हैं सो वो थ्री कंटेनर्स को ही डिप्लॉयड रखेगा और दैट मीन्स वो इंश्योर कर रहा है कि हमारा जो करेंट स्टेट है वर्कर नोट में वो थ्री uh, कंटेनर्स पे ही बना रहे अगर हमने इसको चेंज करना चाहते हैं यूजिंग ए सर्वर को हमने रिक्वेस्ट किया कि सिक्स कंटेनर्स uh, और बढ़ा दीजिए वर्कर नोट्स पे, सो कंट्रोल मैनेजर स्टेट थ्री से स्टेट सिक्स में चला जाएगा जो कि शेड्यूलर uh, uh, उनको शेड्यूल uh, कर देगा और Uh, on availability of resources, इसके according वो six containers deployed हो जाएंगे। So इस तरीके से control manager uh, cluster का जो uh, state है, वो manage रखता है। Yes, I think exactly some I I think आपने जो explain किया, काफी technically आपने explain किया। In simple अगर समझना चाहे, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि controller manager ये check करेगा कि एक तो लाइफ साइकिल फंक्शन जो है जो नेम स्पेस सर्विस अकाउंट वो सब वो मेंटेन रखेगा दूसरा ये है कि जैसे आपने बताया कि करंट स्टेट में हमारे एक पॉट में सपोज तीन कंटेनर यूज हो रहे हैं और हमें अभी छह कंटेनर और डालने या डिप्लॉय करने हैं तो हम एपीआई सर्वर को जब ये कमांड देंगे तो कंट्रोलर मैनेजर चेक करेगा कि हमारा जो डिजायर्ड स्टेट है सिक्स का और जो करंट स्टेट है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है वो मै, वो मै, वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो वो फिर यूजिंग वो चेक करेगा कि कैसे मैं अभी तीन से छह पे पहुंच सकता हूँ yes. सही यस समित यू आर राइट सो कंट्रोल मैनेजर बेसिकली उस स्टेट में जाना चाहेगा जो उसको रिक्वेस्ट मिला हुआ है सिक्स कंटेनर्स डिप्लॉय करने के लिए

एंड कंट्रोलर सर्विस अकाउंट कंट्रोलर नेम स्पेस कंट्रोलर नोट कंट्रोलर्स टोकन कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर्स। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजर मास्टर नोट पर रन होते हैं जो अकॉर्डिंगली uh, uh, जो उनको वर्क uh, दिया गया वो उसको मैनेज करते हैं लाइक एंड पॉइंट कंट्रोलर जो हमारे वर्कर uh, नोट्स के एंड पॉइंट या कंटेनर्स का एंड पॉइंट है उनको वो मैनेज करेंगे लाइक नेम स्पेस कंट्रोलर सो so, कोम्योनिटीज़ में बेसिकली अकॉर्डिंग टू नेम स्पेस हम डिप्लॉयमेंट को परफॉर्म करते हैं एंड नोट कंट्रोलर जो नोट uh, पे जो भी सर्विसेज uh, आपके रन हो रहे हैं लाइक क्यूबलेट क्यूब प्रॉक्सी एंड पॉट्स उनको वो मैनेज करेगा एंड रेप्लीकेशन कंट्रोलर लाइक जैसे कि मैंने बताया कि आप थ्री uh, कंटेनर से कंटेनर में जाना चाहते हैं तो वो कंट्रोलर uh, uh, की मदद से वो डिजायर स्टेट में चला जाएगा जो कि हमारा कंटेनर uh, का डिजायर स्टेट है सो so, इस तरीके से कंट्रोल मैनेजर्स के डिफरेंट कंट्रोल मैनेजर मास्टर नोट पे रन होते हैं ओके, ओके, ठीक है सो मे बी ले सो uh, बेसिकली so uh, है आपके मास्टर नोट का या पूरे क्लस्टर का जहां पे हम की वैल्यू की वैल्यू फॉर्मेट में सेव करते हैं जो भी क्लस्टर का डेटा है जैसे कि कौन से पॉड में कितने कंटेनर्स रन हो रहे हैं कितने कंटेनर्स कौन से कंटेनर्स रन हो रहे हैं कितना सीपीयू मेमोरी यूसेज है क्या उसका यू uh, नो you know, uh, ऑल द ऑल द स्टेटस कितने पॉड्स इसमें थे कितने डेथ हो गए कितने किल हो गए कितने नए क्लोन हुए वो सब लॉग्स ये ए टी सी डी में सो बेसिकली uh, so इसे हम एक स्टोर हाउस बोल सकते हैं और या डेटा जो मैं यूज कर रहा हूँ जो आपके हर एक नोड का उसमें पॉड्स का उसके कॉन्फ्लिक्स का अगर उसमें कोई सीक्रेट अकाउंट्स है रोल्स uh, है वो सब का मेंटेनेंस और वो सब का लॉग जो है जो उसका डेटाबेस है वो ये etcd में आके स्टोर होता है की वैल्यू फॉर्मेट सो so, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। सो so, etcd बेसिकली एक डेटाबेस है जो पूरे हमारे क्लस्टर्स का डेटा रखता है लाइक क्रिटिकल डेटा जो भी आ, हमको आ, यूज करना पड़ता है लाइक फेलियर को ट्रैक करने के लिए या पॉड्स का कॉन्फिगरेशन क्या है इस तरीके का सो ई टी सी डी को हम मास्टर नोट के अंदर भी कॉन्फिगर कर सकते हैं सेम पे मशीन जिस पे मास्टर नोट हमारा रन हो रहा है एंड uh, uh, इसको हम एक्सटर्नली भी कॉन्फिगर कर सकते हैं लाइक ई टी सी डी को लाइक like हम अपने डिफरेंट uh, मशीन को क्रिएट करके उस पर हम इसका जो डेटा है वो लॉक कर सकते हैं जो हमारे क्लस्टर्स का डेटा है राइट right. सो so, बहुत सारे कंपनीज में जो ये कॉम्पोनेंट्स है मास्टर नोट के इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन ऑनली वन मशीन वो उसे भी यू नो वी कैन कॉन्फिगर की एटीसीडी टी सी डी एक अलग मशीन में रहे आपके स्केड्यूलर अलग मशीन में रहे क्योंकि उस उस तरीके से आप सेफ्टी पर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक मशीन डाउन हो जाए तो भी ऑपरेशन you know, उस हिसाब से भी अलग अलग मशीन में रखते हैं सो ई टी सी डी हमने बात किया वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स एसेंशियल वैल्यूज बार बार वो ए सर्वर से कम्युनिकेट करता है और जो भी कमांड्स आ रहे हैं या क्या एक्शन हुआ है वो सब वो नोट करते जा रहे हैं और जो भी नेटवर्क के रूल्स है या फॉरवर्डिंग एक्टिविटीज रहेंगे आपके नेटवर्क के वो सब वो इसमें आप फीड कर सकते हैं ए या वो मेंटेन रखता है उसका डेटाबेस सो so, इस वे में हमने मास्टर नोट के बारे में सीखा कि इसमें चार मेजर कंपोनेंट है एपीआई सर्वर जो एक आप बोल सकते हैं ब्रेन की तरह है जहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आती है और वहीं से जाती है अगर आपको कूबर्निटी uh, से इंटरक्ट करना है वो क्लस्टर से कंट्रोलर मैनेजर जो सब कंट्रोलर्स को मैनेज करेगा ड्युलर जहाँ पे आप वर्कर नोड्स जितने हैं उनका हेल्थ स्टेटस आप ऑप्टिमम रखने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो वो मेन्टेन रखेगा बेसिकली वो परफॉर्मेंस चेक करेगा आपका कुबरिटि का बेस्ट रहना चाहिए ऑप्टिमाइज रहना चाहिए और इटीसीडी है जो सब डेटा बेस मेंटेन करेगा या लॉग मेंटेन करेगा आपके कुबरनेटिस में क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं और क्या स्टेटस है वो पूरा वो लॉग मेंटेन करता है आप यू कैन सी कि ये जो भी कंपोनेंट्स है अपार्ट फ्रॉम एपीआई सर्वर द अदर थ्री कंपोनेंट्स आर क्लोजली विद द एपीआई सर्वर सो इस वे में हम मास्टर नोट समझेड चलिए योगेंद्र अभी वर्कर नोट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अभी हमने मास्टर नोट के चार कंपोनेंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग किया है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक वर्कर नोट वाई कॉल इट अ वर्कर नोट और वॉट इज बेसिकली वर्कर नोट एंड यहाँ पे हमने मल्टीपल वर्कर नोट क्यों बनाए सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को शायद ये डाउट हो रहा होगा कि नोट क्या है कंटेनर्स क्या, क्या है तो हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन में वो भी क्लैरिटी आ जाएगा सो बेसिकली कुबरिटीज हम इसलिए बनाए ताकि हम अपने कंटेनर्स जिसमे हमारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं उसको डिप्लॉय कर सके और उनको मैनेज कर सकें अब ये कंटेनर्स में ऑब्वियसली uh, ये कंटेनर्स फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिसाइड डिस्कस uh, किया था कि डॉकर में हम डॉकर कंटेनर्स यूज करते हैं सो so, ये कंटेनर्स को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए डॉकर का और दूसरा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए सो वर्कर नोड बेसिकली एक नोड है एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड जैसे ये एक मशीन है एक खुद का एक आपका जो सीपीयू या लैपटॉप है यू कैन विजुअलाइज लैपटॉप ये आपका लैपटॉप है ये मेरा लैपटॉप राइट right? ऐसे आप छेप सपोज जितने एन नंबर ऑफ लैपटॉप आप कनेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर ये लैपटॉप में आपके लैपटॉप और मेरे लैपटॉप में कंप्यूटेशनल पावर्स है right? राइट हमारे पास रैम है मेमोरी है सीपीयू है प्रोसेसर्स है वो उसके वो हमें यूज करना है सो so बेसिकली उसमें हमने क्या किया अपने कंटेनर्स को डिप्लॉय कर दिया सो आई होप वेरी क्लियर है वर्कर नोड ओवरऑल क्या है एक मशीन है जो एक वर्चुअल मशीन हो सकता है या फिजिकल मशीन हो सकता है जिसके अंदर आपके पॉड्स जिसके अंदर आपके कंटेनर्स रन हो रहे हैं सो वॉट इज पॉड्स विल कम टू दैट बट बेसिकली वर्कर नोड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एक वर्कर नोड इज एक्चुअली वेयर द वर्क हैपेंस आपके कंटेनर उसमें डिप्लॉय होते हैं और वो एक मशीन की तरह होता है अब ये वर्कर नोड जैसे अभी आप लैपटॉप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग हैं वी आर कंट्रोलिंग आवर लैपटॉप हम अपने लैपटॉप को बोलते हैं कि क्रोम खोलिए या यू नो यूट्यूब खोलिए या जो भी एप्लीकेशन हम बोलते हैं वो हम इन्हें डायरेक्ट करते हैं तो कुबर नेटीज विल इंश्योर कि ये लैपटॉप या ये मशीन इसके अंदर जो भी कंटेनर्स है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं सो so, उसके लिए हर एक वर्कर नोड अपने मास्टर नोड से कनेक्टेड है, और मास्टर नोड में जैसे हमने डिस्कस किया एपीआई सर्वर है जिससे हम अपने एक्सपेक्टेशंस पास ऑन करते हैं ये कुबर क्लस्टर में सो बेसिकली मास्टर नोट में सब रूल्स सब जो भी डिसीशन है वो मास्टर नोट के थ्रू

दूसरा है प्रॉक्सी, तीसरा है पॉड, चौथा है कंटेनर्स सो आई थिंक कंटेनर्स क्लियर है सपोज आपका एक एप्लीकेशन है हमारे केस में एक सपोज मशीन लर्निंग मॉडल है और वो मशीन लर्निंग मॉडल एक वेबसाइट से कनेक्टेड है वेब इंटरफेस से कनेक्टेड है और सपोज एक डेटाबेस है तो बेसिकली तीन कंटेनर है एक कंटेनर में हमारा वेब एप्लीकेशन है एक कंटेनर में हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है और एक कंटेनर में डेटाबेस सो वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम मशीन लर्निंग मॉडल को पिंक करते हैं और वो इनपुट देते हैं और वो इनपुट लेके डेटाबेस में आउटपुट को सेव कर सकते हैं और डेटा से हम चाहे तो वापिस से वेब में वेब इंटरफेस को आउटपुट दे सकते हैं सो so सपोज ये तीन कंटेनर्स हैं, राइट तो ये तीन कंटेनर्स ऐसा नहीं है कि आपके लैपटॉप में या आपके मशीन में या वर्चुअल मशीन में आपके वर्कर नोड में डायरेक्टली हम डिप्लॉय कर नहीं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पॉड सो so, जो आप पॉड देख रहे हो एक पॉड के अंदर हम एक जितने भी रिक्वायर्ड टाइटली कंटेनर्स है वो हम एक पॉड के अंदर डिप्लॉय कर तो so, ये जो पॉड है उसके अंदर जो कंटेनर्स है उनको जो रिसोर्सेज मिल रहा है उनको जो नेटवर्क आईपी एड्रेस या जो भी नेटवर्क उसका कॉन्फिग्रेशन है वो कॉमन रहेगा इन तीनों कंटेनर्स के लिए सो बेसिकली कुबरनेटिव में कंटेनर्स को डिप्लॉय करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इनफैक्ट पॉड को स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कुटिव बोलते हैं स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम कंटेनर्स अपने डिप्लॉय कर जनरली सपोज ये एक इंस्टेंस है हमारा एप्लीकेशन का अब आपको एक और हमारे सपोज एक पॉड में हमारा पूरा एप्लीकेशन रन हो रहा है तीनों कंटेनर्स बट अभी रिक्वायरमेंट आया कि नहीं आज वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रश आ रहा है आपको और रिक्वायरमेंट है तो आप पॉड को रेप्लीकेट कर सकते एक और पॉड क्रिएट कर सकते तो इससे जो आपका मशीन है वो ऑप्टिमली आपके रिसोर्सेज यूज कर सकता है और लोड बैलेंसिंग जिसे बोलते हैं मे बी जिसके बारे में हम बाद में और जानकारी लेंगे तो लोड बैलेंसिंग का जो एक्टिविटी है वो भी इजिली कर सकता है कि वो मेनटेन कर सकता है कि कौन से पॉड में कब और कितना रिसोर्स यूज करना है सो so, ये हो गया पॉड का अब ये जो पॉड है राइट उसके अंदर जो कंटेनर्स है अब ये कंटेनर्स को सपोज एक्सेस करना ऑब्वियसली हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने एप्लीकेशन को यूज कर सकें सो so, वो कंटेनर्स को एक्सटर्नली अगर आपको यूज करना है या कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक क्यूब प्रॉक्सी दिया गया तो so, आप देख सकते हैं ये क्यूब प्रॉक्सी जो है इससे दो कनेक्शन पॉड्स को जा रहे हैं और

क्यों प्रॉक्सी बेसिकली नोट के अंदर जो नेटवर्क रूल्स होते हैं वो मेंटेन करके रखता है और इन नेटवर्क रूल्स की मदद से हम पॉट के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं अगर हमको इनसाइड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिस करना है तो हम इस नेटवर्क जो नेटवर्क रूल्स हैं उनकी मदद से कर पाएंगे और सेम रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर आउटसाइड अगर हमको कम्युनिकेट करना है सो उसके लिए ओके सो बेसिकली आप ये बोलना चाहते योगेंद्र कि अगर दो पार्ट के बीच में भी कम्युनिकेट करना है तो हम क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू भी कर सकते हैं राइट तो क्यूब प्रॉक्सी इज लाइक कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन कि आपको कंटेनर से कैसे कनेक्ट करना है एक कंटेनर बनाया तो उससे क्या रूल्स इन्फोर्स करना है उसे कनेक्शन देने के लिए वो सब क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्यूबलेट क्यूबलेट को हम एजेंट भी बोलते हैं इसलिए एजेंट बोलते हैं क्योंकि अब एक वर्कर नोड है तो उसे सुपरवाइज करने के लिए भी कोई चाहिए रहे कि कि जो आपके मास्टर ने बोला है है वो वर्कर कर रहा है नहीं प्रॉपरली उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है वो कम्युनिकेट भी वापस मास्टर को करना होगा और जो मास्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो वर्कर को बताना है और फिर चेक करना है वो इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं वो सब काम क्यूबलेट करता है सो बेसिकली क्यूबलेट इज द कम्पोनेंट ऑफ each worker node so you can see every worker node has its own q proxy has its own kubelet to ye jo kubelet hai wo individually har ek worker node apne master node ke api server se connected hai so basically aapne jo bhi information api server ko diya hai wo information pods ko dena और फिर check करना कि वो pods वो आपने जो instructions दिया है वो follow कर रहा है और उस condition में है कि नहीं कि follow कर सके या फिर आ, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या रीजनस है वो सब भी इंफॉर्मेशन वो क्यूबलेट इफ यू से इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन सो वो भी कम्युनिकेशन वो एपीआई सर्वर को या मास्टर को दे देते सो दिस इज अबाउट द क्यूबलेट सो अगर आप देखा जाए तो वर्कर नोट जो है उसमें क्यूबलेट क्यूब्रॉक्सी पॉड और कंटेनर्स ये चार मेन कंपोनेंट इसके अलावा इस डायग्राम में एक और आप देख सकते हैं वो है क्यूब सीटीएल सो so, योगेंद्र आप बताना चाहेंगे क्यूब सीटीएल क्या होता है यस सो क्यूब सीटीएल एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसकी मदद से जो हमारा यूजर है वो मास्टर uh, नोड को कंप्लीटली मैनेज करता है यूजिंग अ डिफरेंट कमांड्स लाइक क्रिएट मैनेज सो क्रिएट कमांड में लाइक like, अगर आप क्रिएट कमांड की मदद से uh, जो यूजर है वो uh, कंटेनर्स को क्रिएट कर सकता है मीन्स अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता है पॉड क्रिएट कर सकता है सो मैनेज कमांड की मदद से वो लाइक uh, like आपको रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन फैक्टर बढ़ाना है किसी एप्लीकेशन का कंटेनर्स को इंक्रीज करना है तो वो मैनेज uh, कमांड की मदद से मास्टर uh, नोट को इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकता है जो एपीआई सर्वर वैलिडेट करता है देन उस सर्वर uh, Appropriately, worker node या control को pass कर देता है है okay. so, मतलब ये ये एक uh, so, suppose मैं पे और मुझे अपना cluster बनाना है, उसमें कितने worker nodes रखने रखने हैं, हैं एक में कितने containers रखने वो सब कमांड ऑब्वियसली एक human या एक uh, कमांड एक देना पड़ेगा मास्टर uh, नोड वो वो कमांड्स देने के लिए क्यूब सीटीएल हमें मतलब एक 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 है है या जिसके हम हम वो दे सकते हैं कि, CTL, commands के हम बता सकते हैं हैं कि कि के बता क्या कैसे हम अपना कुबर्टिस क्लस्टर रन करना चाहते हैं करेक्ट या इसको हम सिंपली uh, कमांड्स बोल सकते हैं सो so, लाइक like, जैसे टर्मिनल पे हम कमांड्स लिखते हैं सो क्यूब सी टी एल क्यूब सी टी एल का फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं लाइक क्यूब सी टी एल अप्लाई उसके बाद हाईपन एफ उसके बाद फाइल नेम जो ई एम एल फाइल हम क्रिएट करते हैं सो so, इसकी मदद से वो एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देगा यूजिंग अ ई एम एल फाइल सो ई एम एल फाइल जैसे ए पी आई सर्वर के पास में आता है वो पास ऑन कर देता है शेड्यूलर को शेड्यूलर फिर वो अकॉर्डिंग टू Uh, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वर्कर नोट पे वो उसको पास ऑन कर देता है सो so, क्यूबलेट फिर स्पेसिफिकेशन uh, को रीड करेगा ई एम एल फाइल को उसके अकॉर्डिंग वो पॉड क्रिएट करेगा और कंटेनर्स को डिप्लॉय कर देगा सो so, ये पूरा कंप्लीट क्यूब सी टी एल से लेके डिप्लॉयमेंट तक uh, ये प्रोसेस परफॉर्म होता है सो सो इनिशियली हमने क्यूब सी टी एल की मदद से uh, ये कमांड uh, को पास किया और क्यूबलेट ने इसको एग्जीक्यूट किया ऑन अवर करेक्ट ग्रेट सो आई होप अपने व्यूअर्स को आज आ, एक ओवरऑल टेक्निकल फील आया होगा कि कुबरनेटिस क्लस्टर में या आर्किटेक्चर में क्या मेन कंपोनेंट्स है जस्ट टू रिवाइज मास्टर नोड और वर्कर नोड मास्टर नोड के अंदर हमारे पास चार कंपोनेंट्स है एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर स्केड्यूलर और ईटीसीबी और वर्कर नोड्स में हमें चार कंपोनेंट्स है क्यूबलेट क्यूब प्रैक्सी और pod or containers next session may we will start coding we will start making our clusters is that the agenda and uh, as i said we will deploy our machine learning model क्या ये एजेंडा है योगेंद्र नेक्स्ट सेशन का यस यस अमित सो इन नेक्स्ट सेशन वी डिप्लॉइंग एम एल मॉडल जो कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ई एम एल मॉडल डिप्लॉय करने के लिए ई एम फाइल लिखते हैं और उसको फिर हम फ्लास के पी जैसे कि हम वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसके थ्रू वो हमारे एक इंटरफेस होगा Uh, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मॉडल uh, को को जो कि हमको रिटर्न uh, तो करेगा और कर so, uh, योगेंद्र एक टेक्निकल वर्ड आपने इसमें यूज किया file, right? I think yeah. अभी हमारे को वो आइडिया नहीं होगा सो मे बी नेक्स्ट सेशन में हम वो भी सीखेंगे की यम एल फाइल क्या होता है और उसे कैसे क्रिएट करते हैं yeah, yes. सो टू ऑल द व्यूअर्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीमेंट आया होगा डू शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो को आ, ये चैनल को थैंक यू सो मच थैंक यू